ये बना वो मैं यहाँ कुत्तों का खाना बना रहा हूँ। लाओ दो हाथ बस 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 चलो वो जब से लॉकडाउन लगा हम लोग तब से भोजन बना रहे हैं। काफ़ी सारे शहर के हिस्सों में कुत्ते भूखे हैं तो हम लोग नगर निगम से कुछ हमको रोटियां मिलती है 3-4 हज़ार और इसके साथ में हम लोग 100 किलो चावल दलिया रोज़ बना के और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी तो जन सहयोग से व्यवस्था करते हैं, कहीं से चावल या इस टाइप का जो लोग डोनेट करते हैं फिर उसके थ्रू बनाते हैं। 50-60 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो अलग अलग एरियाज़ में खाना बांटते हैं, एरिया बटे हुए हैं। इसमें हम लोग सब्जियां मिला रहे हैं, टमाटर है, लौकी है, अंडे हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उनको दे रहे हैं। अभी तक रोज़ हम 3 से 4 हज़ार कुत्तों को खिलाते हैं अलग अलग एरियाज़ में। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ 650 लोगों को काटा जो जब लॉकडाउन शुरू में लगा था, पर जब से हम लोग खिला रहे हैं तो केसेस भी कम हुए हैं। दूसरी चीज़ की कई एरियाज़ में जो भूख के कारण कुत्ते चिड़चिड़े थे, एकदम पतले थे, वो भी थोड़े ठीक हो रहे हैं और अब काटने के केसेस कम आ रहे हैं। निगम काफ़ी सहयोग कर रहा है, 3 से 4 हज़ार रोटी वो लोग हमको बना कर देते हैं और उससे काफ़ी कुछ सपोर्ट हो जाता है। प्रेरणा हम लोग काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से कई बार जब भूखे दिखते थे तो हमने सोचा फिर इसको एक सिस्टमेटिक प्लान करके करते हैं, तो फिर हम लोगों ने उसको चला गया। ये सर अभियान ऐसा है कि पीपल्स फॉर एनिमल के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो हम हमारे मोहल्ले के अंदर करीबन 1000 घरों से प्रतिदिन 1.5 घंटे के अंदर 1-1 रोटी का हम दान मांगते हैं। हमारी करीबन 6 टीम वहाँ पर काम कर रही है जो 1 घंटे पूरे मोहल्ले में जाती है और वो रोटी वहाँ से इकट्ठी करती है। हमारे को हम तो सिर्फ रोटी ही इकट्ठी कर रहे हैं, बाकी हमारी कोशिश है कि हम लोग अपने लेवल पर भी कुछ कर रहे हैं और दाल चावल दलिया और इस प्रकार जो भी दान मिल जाए हम लेने के लिए तैयार हैं। हाँ, परिवार हमसे पूछते हैं, जब हम उनको बताते हैं तो उनका ऐसा उत्तर रहता है कि इतना जो आप नेक काम कर रहे हो, हमारा छोटा सा सहयोग इसमें है और इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम प्रक्रिया ये अपनाते हैं कि हमारे पास बाल्टियाँ रहती है ओपन, हम बच्चे भी जो भी घर से निकलते हैं उनको पहले बोलते हैं कि आप मास्क पहने, अगर कोई बिना मास्क के आता है हम दूर से ही उनसे रोटी लेते हैं। पूरे जो है हम उसके नियम जो हैं कोविड-19 के हम पूरे फॉलो करते हैं। बाकायदा मास्क रहता है दूर से, उसके बाद आने के बाद हम लोग स्वयं सैनिटाइज़ करते हैं स्वयं को, और इस प्रकार हम सारा पूरा नियम कायदे से काम कर रहे हैं।